Hi everyone, in this video we will study about parts of brain. So let's discuss about it. Brain is divided into three basic units: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain consists of two structures, cerebrum and diencephalon. This is the cerebrum and this is each cerebral hemisphere, and these hemispheres are separated by a fissure called longitudinal fissure. ठीक है, और ये दोनों हेमिस्फीयर्स जो हैं इनको कनेक्ट क्या करता है, ये कार्पस कैलोजम से दोनों कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, फोर ब्रेन का दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास होगा डायनसेफलॉन. ठीक है, हम अपने टेम्पोरल लोब को रिमूव करते हैं तो हमें यहाँ पे इजीली स्ट्रक्चर नजर आएगा. दिस इज डायनसेफलॉन. ठीक है, सेरिब्रम जो है हमारे पास चार लोब्स में डिवाइड होता है. फ्रंटल लोब, क्योंकि हमारी फ्रंट पे होती है. ठीक है, फ्रंटल लोब, ये टॉप सरफेस जो होगी ये होगी पैराइटल लोब. ठीक है, ये बैक पे हमारे हेड की होगी ऑसिपिटल लोब, और जो लेटरल हमारे होगी ये होगी टेम्पोरल लोब. ठीक है, ये टेम्पोरल लोब है, ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, और ये बैक पे हमारी ऑसिपिटल लोब है. ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट फोर ब्रेन. नेक्स्ट वी हैव मिड ब्रेन. अब मिड ब्रेन को अगर हम देखते हैं तो हम इसको टर्न करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये मिड ब्रेन आ जाता है. ठीक है, ये हमारे पास मिड ब्रेन है. हम फिर से टेम्पोरल लोब को रिमूव करते हैं ताकि इजीली देख सके. ठीक है, ये हमारे पास है मिड ब्रेन. ठीक है, ये मिड ब्रेन है यहाँ पे भी और यहाँ पे. ठीक है, अब थर्ड हमारे पास है हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन कंसिस्ट होता है तीन स्ट्रक्चर्स पे, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम. यह हमारे पास होंगे पॉन्स, दीज स्ट्रक्चर्स आर पॉन्स. ठीक है, ये हमारे पास होगा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और ये हमारे पास होंगे सेरिबेलम. ठीक है, दिस इज ईच सेरिबेलर हेमिस्फीयर एंड दिस इज द अनदर वन. सो दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड सेरिबेलम. ठीक है, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम. जो ब्रेन हमारा वो कवर्ड होता है तीन प्रोटेक्टिव लेयर्स में, विच इज कॉल्ड मेनिंजेस होंगी, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर. ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट कवरिंग होगी इसकी. ठीक है, एरेक्नॉइड मैटर मिडिल लेयर होगी और पाया मैटर इसकी इनर मोस्ट कवरिंग होगी और वो क्लोजली पैक होगी. जो इसकी इमेजिनेशन है ब्रेन की, सेरिब्रम की. ठीक है, उसमें भी ये क्लोजली पैक्ड होगी पाया मैटर, जो कि ब्रेन को फ्रॉम एनी मैकेनिकल शॉक प्रिवेंट करती है और एनी मैकेनिकल डैमेज से प्रिवेंट करती है. ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ ब्रेन. इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क फ्रीली. थैंक यू.